तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान की डे 7 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है, फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। कल फर्स्ट वीक इसने शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया उसकी पूरी रिपोर्ट। नेट इंडियन कलेक्शन से कितना किया, ग्रॉस कलेक्शन से कितना किया, ओवरसीज से कितनी कमाई करी, टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर लिया है, नेशनल चेन्स में क्या ग्रोथ है, और भी सेलिब्रिटीज़ इसको कैसे अप्रिसिएट कर रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर कैसे अप्रिसिएट कर रहे हैं, सब बातों पर डिटेल टू डिटेल एक एक कर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हिंदी से कल डे 7 पे एंड ऑफ द डे तक आया है 21.30 करोड़, तमिल और तेलुगु से आया है 2.5 करोड़। तो हिंदी से फर्स्ट वीक में यानी पहले 7 दिन में ही कमाई हुई है 327 करोड़ की, और तमिल तेलुगु से पहले 7 दिन में फर्स्ट वीक में हुई है इसकी कमाई लगभग जवान की कितनी, 41 करोड़। दोस्तों जवान हर दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड क्रिएट करके जा रही है। साउथ से इतनी बड़ी कलेक्शन आज तक कोई भी हिंदी मूवी नहीं लेके आ पाई, कोई भी बॉलीवुड मूवी नहीं लेके आ पाई, या लाइफ टाइम कलेक्शन भी नहीं होता है, लेकिन जवान ने सिर्फ 7 दिन में ही, फर्स्ट वीक में ही 41 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है सिर्फ साउथ से, और पहले 7 दिन में सिर्फ हिंदी से कलेक्शन कर रखा है 327 करोड़। भाई साहब ये ह्यूज कलेक्शन है, ये लाइफ टाइम कलेक्शन होती है किसी भी मूवी के लिए, खासकर बॉलीवुड मूवी के लिए। तो टोटल नेट इंडियन कलेक्शन फर्स्ट वीक का कल एंड ऑफ द डे तक कितना हुआ है, 368.55 करोड़, अराउंड में राउंड फिगर मान के चलो 369 करोड़। तो बहुत सी जगह ये मोटा आंकड़ा 370 करोड़ के आसपास भी बोला जाएगा, लेकिन आप 369 करोड़ मान के चलो। ऑसम रिकॉर्ड, ऑसम ग्रोथ, ह्यूज कलेक्शन मैं कह रहा। और मेरी अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट क्या थी कल फाइनल डे 7 पर नेट इंडियन से कलेक्शन से कितना आ सकता है, अराउंड 367 करोड़ में मान के चल रहा था। तो बिल्कुल स्लाइटली टच किया है ऑफिशियल आंकड़े से जो मेकर्स ने अभी रिवील किया है कि नेट कलेक्शन से पहले फर्स्ट वीक में कितना आया है, 368.55 करोड़, अराउंड में 369 करोड़। तो इसी के साथ अगर मैं फर्स्ट वीक के नेशनल चेन्स के कलेक्शन की बात करूं तो PVR, आयोनेक्स और सिनेपोलिस को मिलाकर कितना कलेक्शन जवान ने अभी तक कर लिया है, भाई साहब 154 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है सिर्फ 7 दिन में ही। और अभी कितना कलेक्शन करेगी, अभी पूरा रेस्ट ऑफ द डे बाकी हैं। तो मैं अगर यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँ, राधे और किसी का भाई किसी की जान, ये मूवी लगभग में लगभग, राधे तो शायद 100 करोड़ भी नहीं कंप्लीट कर पाई थी, और किसी का भाई किसी की जान 110-115 करोड़ के आसपास सिमट के रह गई थी। तो PVR और नेशनल चेन से ही मूवी ने 7 दिन में ही 154 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। तो ये देखो ना ग्रोथ, जवान की जो ताकत है, बाय गॉड, SRK की जो फैन फॉलोइंग है, अमेजिंग, ह्यूज कलेक्शन आ रहा है, हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है मूवी। इसी के साथ में फर्स्ट वीक कल एंड ऑफ द डे तक कितनी कमाई कर चुकी है पूरी दुनिया से मूवी, ओवरसीज और इंडियन ग्रॉस कलेक्शन को मिलाकर बोलूं तो लगभग नहीं, ऑफिशियली ये डेटा आ चुका है मेकर्स की तरफ से, रेड चिली ने अनाउंस करा है 660.03 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये अपने फर्स्ट वीक्स यानी कल एंड ऑफ द डे तक मूवी कर चुकी है दोस्तों। ह्यूज कलेक्शन, मैं फिर कह रहा हूँ, जवान जो तबाही मचा रही है, जवान जो आग फाड़ रही है, बाय गॉड ऐसे कलेक्शन कभी देखने को नहीं मिले। बॉलीवुड की मूवी कभी इतना बड़ा कलेक्शन सिर्फ 7 दिन में कर ही नहीं पाई, जबकि 660 करोड़ तो लाइफ टाइम कलेक्शन होता है, लाइक चेन्नई एक्सप्रेस, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, ये तो 550 करोड़ के आंकड़े में ही सब सिमट के रह गई थी, और मूवी ने सिर्फ 7 दिन के अंदर ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 660 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया है। तो अभी तो पूरा मैदान बाकी है, अभी तो पूरे दिन बाकी है, अभी सेकंड संडे में कितनी कमाई करेगी, थर्ड संडे में कितनी कमाई करेगी, फोर्थ संडे में कितनी कमाई करेगी। तो मैं मान के चल रहा हूं 1500 करोड़ का आंकड़ा कहीं नहीं गया, इजी टू इजी 1500 करोड़ टच करके ही रहेगी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। और इस संडे तक, मैं फिर कह रहा हूं, इस संडे तक 850 से 900 करोड़ के आंकड़े को टच करेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि 900 करोड़ के आंकड़े को टच करेगी, 800 करोड़ के आंकड़े को टच करेगी, या 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करेगी इस संडे तक, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। और इसके साथ सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, पैन इंडिया सुपरस्टार्स, बॉलीवुड सुपरस्टार्स, सब मतलब जवान को तबाह के बधाइयां दे रहे हैं, सभी मूवी देख रहे हैं, बड़े मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अटली और SRK के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ही, अटली के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अटली ने तमिल जो रीजनल इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, तो इंडियन लेवल पे जो एक मूवी निकाली है, भाई साहब अटली के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिगेस्ट हिट है अटली के करियर का।
तो यहाँ पर मैं अल्लू अर्जुन की बात बताना चाहूँगा। अल्लू अर्जुन ने जवान की पूरी टीम को बधाइयाँ दी है और SRK को भी बधाइयाँ दी है। लाइक अल्लू अर्जुन ने इतना ज़बरदस्त लिखा है कि जवान को मैमथ ब्लॉकबस्टर बोला है। मैमथ ब्लॉकबस्टर भाई साहब, इट्स अ ग्रेट वर्ड, मतलब ह्यूज वर्ड होता है ब्लॉकबस्टर, उसके आगे फिर मैमथ। तो अल्लू अर्जुन ने काफ़ी अच्छे से तारीफ करी है। मैं एक आध पोस्ट में देख रहा था कि कुमार सानुदा ने भी तारीफ करी है, उधर महेश बाबू ने तो पहले ही कर दी थी तारीफ। तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स तारीफ कर रहे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार जवान को अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो जवान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, जवान को एक हिसाब से सक्सेस मिल चुकी है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी, लोगों के दिलों में भी, और बड़े बड़े स्टार और डायरेक्टर्स के दिलों में भी। तो अभी के लिए बस यहीं तक समाप्त करते हैं, बाकी रात को मिलते हैं आज डे 8 की फाइनल प्रिडिक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।